नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेज ऑफ कपल ऑफ मोमेंट जी एक्ट एट पॉइंट ए एंड बी. यानी जो फोर्सेज ऑफ कपल ऑफ मोमेंट जी हैं, यानी जी से हमने डिनोट किया है कब, जब किस, जैसे कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ए और बी पॉइंट पे. ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस पे कपल एक्ट हो रहा है. यानी कपल मोमेंट ऑफ कपल, यानी ए पॉइंट पे पी फोर्स नीचे तो बी पॉइंट पे पी फोर्स ऊपर अट्रैक्शन की तरफ है. और ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है एंटी क्लॉकवाइज में. एंटी क्लॉकवाइज कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर हम ये नीचे की तरफ रखें, ये ऊपर की तरफ हो, तो कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करेगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करेगा. यानी इसकी रोटेशन ऐसे होगी, एरो की तरफ देखो, ये ऊपर आएगा नीचे, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ. तो कौन सी डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग रखना है. मतलब ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ, बी की ऊपर की तरफ. इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन आर टर्न थ्रू एंड राइट एंगल, अगर मतलब कि इसमें जो इसको लाइन ऑफ एक्शंस, यानी अगर हम बात करें कि जो ए बी है, तो ये ए बी पर ए और बी पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रही है पी पॉइंट, तो ये फोर्सेस हैं. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का हम ए एल लेते हैं, दैट इज 90 डिग्री. जो हम ए से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टू फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे ए एल. और हमें स्टेटमेंट में कहा है कि ये मान लो ए बी एंगल थीटा पे था. ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शंस जो ए बी का एंगल थीटा पे था, जब हम इसको रोटेट करेंगे थ्रू 90 डिग्री पे राइट एंगल पे, यानी ए बी जब रोटेट करेंगे किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, पहले थीटा पे था, 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, देन फिर कपल ऑफ मोमेंट एच होगी. पहले कपल ऑफ मोमेंट जी थी जब थीटा एंगल पे था, 90 डिग्री यहाँ शो नहीं किया हुआ. मतलब मान लेते कि ए बी एंगल 90 डिग्री पे जब हम रोटेट करेंगे तो उसकी कपल ऑफ मोमेंट क्या होगी, एच होगी. और जो ए एल है, ये तो टू फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हम आर्म लेंथ पीछे बोलते हैं. ठीक है, तो व्हेन दे बोथ एक्ट एट राइट एंगल्स देन फॉर्म ए कपल ऑफ मोमेंट दिस. और जब ए और बी दोनों राइट एंगल पे मूव करते हैं, जब हमने कहा था कि राइट एंगल पे हम टर्न करेंगे, तो उसका जो मोमेंट जो होगा, हम ये प्रूव करेंगे क्या कपल ऑफ मोमेंट होगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. जब दोनों ही राइट एंगल पे, बोथ एक्ट एट राइट एंगल्स टू ए बी, दोनों फोर्सेस ए बी के ऊपर राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं, देन उसका मोमेंट ऑफ कपल जी स्केयर प्लस एच स्केयर होगा. ठीक है, तो पहले यहाँ से देखो, हम यहाँ ट्रायंगल बन रही है ए बी एल, एल पे 90 डिग्री है, बी पे थीटा एंगल है. तो इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड होती है हाइपोटन्यूज. जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है साइन थीटा, यानी ए एल अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ से ए एल की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी साइन थीटा. तो उस केस में स्टार्टिंग में जब हम कपल मोमेंट क्या दी हुई थी, जी दी थी. मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला जी है, मतलब मोमेंट ऑफ कपल को जी से डिनोट किया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तब मोमेंट ऑफ कपल जी थी, तो फोर्स कितनी पी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए एल, क्योंकि दो फोर्स के बीच का आर्म लेंथ ए एल है. ए एल की हमने ऊपर वैल्यू निकाली है ए बी साइन थीटा, वो हमने यहाँ पुट करनी है. अब ये थीटा, थीटा को कहाँ पर जब हम टर्न करते हैं, एंगल 90 डिग्री पे, क्योंकि कहा हुआ है कि जब हम थीटा को राइट एंगल पे रोटेट करते हैं, तो 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं जब हम, पहले थीटा था 90 डिग्री और रोटेशन की, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री थीटा को 90 डिग्री पे और रोटेट किया, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा. और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है. ठीक है, तो ये टू इक्वेशंस आ गई. फर्स्ट इसको नाम दिया, इसको सेकंड नेम दिया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दी, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दी और एडिंग कर दी, पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस के थीटा. वहां से पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर. यहाँ से पी इंटू ए बी स्केयर जो है उधर के रूट बन जाएगा, स्केयर रूट ऑफ जी स्केयर प्लस एच स्केयर आ जाएगा. तो व्हेन द फोर्सेस पी एट ए एंड पी एट बी एट राइट एंगल्स टू ए बी, जब थर्ड कंडीशन कही थी कि जब पी फोर्स लग रही थी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे राइट एंगल थी ए बी के ऊपर, देन मोमेंट ऑफ कपल यही होगा पी इंटू ए बी. ऊपर भी पी इंटू ए बी की वैल्यू निकाली है, पी पॉइंट पे व्हेन फोर्सेस, जब पी पॉइंट पे ए एक्ट हो रही थी और पी पे बी एक्ट हो रही, एट पी पॉइंट पे पी दोनों पे पी एक्ट हो रही थी, ए पे भी और बी पे भी, और वो राइट एंगल पे एक्ट हो रही थी, क्योंकि लास्ट पॉइंट हमें कहा हुआ है कि वैन दे बोथ एक्ट एट राइट एंगल्स टू ए बी, ए पे भी और बी पे भी दोनों राइट एंगल पे एक्ट हो रही है. अगर 90 डिग्री पे टू फोर्सेस बी एक्ट हो रही है, देन फिफ्थ मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं ये होगा, ये हमने शो करना है. तो हमें पता ही है कि फिर मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला यही होगा, पी फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ए बी खुद अब राइट एंगल पे एक्ट हो रही है. पहले हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था ए एल दोनों फोर्सेस के बीच का.
ठीक है। बट अब ए भी खुद ही राइट एंगल पे एक्ट हो रही है, यानी यहाँ ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब पहले हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किया था ए एल, अब ए एल नहीं है, ए एल की जगह ए बी पे ही 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री दोनों पे बन रहा है, ए पॉइंट पे भी 90 डिग्री और बी पॉइंट पे भी 90 डिग्री। देन फॉर्मूला पी इंटू ए बी, फॉर्मूला तो वही लगेगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा फिर, ए बी होगा ए एल की जगह, क्योंकि हम ए बी पे राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब तो ए बी की वैल्यू पी इंटू ए बी के ऊपर निकाली हुई है, तो ये लिख दी, तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल थर्ड, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है हूज साइड इज टू यूनिट इन लेंथ। स्क्वायर की साइड सभी की कितनी है, टू यूनिट्स है, ठीक है। तो फोर्सेस ए बी सी डी एक्ट अलोंग द साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी ए टेकन इन ऑर्डर। जैसे कि ए बी डायरेक्शन की तरफ फोर्स स्मॉल ए लग रही है, ये ध्यान रखना है कि ए बी का हुआ तो एरो ए बी की तरफ ही लगाना है, ए टू बी जाना है तो ए टू बी एरो लगाना है स्मॉल ए, क्योंकि ए बी की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, स्मॉल ए। बी सी की तरफ स्मॉल बी लग रही है, यानी बी सी यानी ऊपर की तरफ जाना है स्मॉल बी, ऐसे सी डी तो डी ए, मतलब सभी की तरफ फोर्सेस ए बी सी डी लग रही है टेकन इन ऑर्डर। एंड एक फोर्सेस, ये टू फोर्सेस लग रही है रो टू पी रो टू पी एक्ट अलोंग ए सी एंड डी बी। ए सी डायगनल की तरफ लग रही है रो टू पी, इस तरफ एरो, और डी बी यानी यहां से डी से स्टार्ट हो रहा है बी की तरफ जाना है, यानी डी बी की तरफ लग रही है क्यों, रो टू। शो दैट इफ दिस, ये कंडीशन हमें दी है, द फोर्सेज किसके इक्वल प्रूव करनी है, ये मूवमेंट ऑफ कपल यानी कपल ऑफ मूवमेंट इसके इक्वल हमने प्रूव करनी है। तो हमें पता है ये देखो पी रू टू इधर फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर पी रू टू लग रही है, तो इस तरफ कौन सी फोर्स होगी, देखो ये है पी रू टू इस तरफ है, तो जब हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ रिजोल्व करते हैं तो कॉस लगता है, मैंने पीछे बताया है पी रूट टू को जब हम एक्स एक्सिस की तरफ रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल हमें पता है जो पूरा 90 डिग्री का होता है, तो हाफ कितना होगा 45 का होगा, तो कॉस 45, तो पी रूट टू इंटू कॉस 45 वन बाय रूट टू, तो यहाँ से रूट टू से रूट टू कट हो जाएगा, या क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, यानी यहाँ इस तरफ पी फोर्स लग रही है, मतलब पी रूट टू रिजोल्व हो रही है, इधर पी रिजोल्व हो रही है, इधर भी कितनी होगी, इधर भी चेक कर लेते हैं कैसे रिजोल्व करते हैं, पी रूट टू को, ये पी रूट टू है, y एक्सिस पे साइन लगता है साइन, और एंगल कौन सा है ये वाला, ये 45 डिग्री, ये एंगल लगता है जो x एक्सिस के साथ है, ये एंगल है 45 डिग्री, बस ये है पी रूट टू y के साथ जब रिजोल्व करना है साइन लगना है, जब x के साथ रिजोल्व करना है तो cos लगना है, और एंगल ये वाला देखना है, ठीक है। तो साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, यहाँ पर भी रूट टू कट, यहाँ पर भी, यानी इस डायरेक्शन में भी कौन सी फोर्स लग रही है, पी लग रही है, यानी पी रूट टू। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर हम क्यू रूट टू की बात करते हैं तो ये भी टू पार्ट में रिजोल्व होगा, क्यू रूट टू, ठीक है, ये डी ए और डी सी में रिजोल्व होगा। अब जो डी ए है इसके साथ क्यू रूट टू 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार साइन 45 लगेगा, एक बार कॉस 45 लगेगा, इसके साथ बन रहा है, दोनों 45 लगा देना एक बार, क्यू रूट टू इंटू कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर इस तरफ जब डी ए की तरफ जाएगा एरो उस तरफ ही लगाना है, डी ए की तरफ रिजोल्व होगा क्यों, एक डी सी की तरफ रिजोल्व होगा, तो एरो ये ऐसे लगेगा, एरो का जरूर ध्यान रखना है, डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है कि जो डी बी है अलोंग डी ए क्यों जा रहा है और डी सी भी क्यों जा रहा है, मतलब डी ए ये यहाँ से रिजोल्व होगा ना इस पॉइंट से, तो डी ए और डी सी की तरफ क्यों रिजोल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखो फोर्सेस, देखो हमारे पास ए बी पे कितनी फोर्स टोटल बन गई, अब ए बी स्मॉल ए एक दी हुई थी स्टेटमेंट में, एक स्मॉल पी, सॉरी ये पी के ये वाली, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, तो ए बी में कितनी होगी, पी प्लस ए होगी, तो देखो ये या ए प्लस पी कह दो, ए प्लस पी होगी अलोंग ए बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो प्लस करेंगे, ठीक है। और सी डी की तरफ देखते हैं, ये देखो सी डी की तरफ जो फोर्स है इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम सी डी की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से पहले इस तरफ जब जाना है तो सी तो जा रहा है, क्यू की डायरेक्शन ऑपोजिट है सी डी की तरफ, जब सी डी से जा रहे हैं तो सी जा रहा है इस डायरेक्शन में, सी डी की तरफ सी जा रहा था, सी में से क्यू माइनस करेंगे बिकॉज क्यू की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अलोंग डी ए देखते हैं, तो डी ए में क्या क्या फोर्सेज हैं, अब देखो डी ए के जो लॉन्ग होगी हमारे पास थ्री फोर्सेज है, क्यू डी और पी, ये थ्री फोर्सेज है, तो डी ए जाने हैं तो डी ए से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से जब जा रहे हैं तो पैरेलल फोर्स कौन सी आ रही है, क्यू की आ रही है और डी की आ रही है, तो इन दोनों में प्लस लगेगा, बट पी की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस पी लगेगा, तो क्यू प्लस डी माइनस पी अलोंग डी ए, और बी सी के अलोंग तो हमारी एक ही फोर्स है स्मॉल बी, तो ये हमने चारों फोर्सेस लिख दी। तो
हमें नेक्स्ट हमने कंडीशंस टू दी हुई है, ये टू कंडीशंस लेकर चलेंगे. एक है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस ए. तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस ए है, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं ए प्लस पी की, क्योंकि देखो हमें ए बी की तरफ ए प्लस पी है, तो हम ए प्लस पी की पहले वैल्यू निकालते हैं. माइनस ए इधर के प्लस का हो जाएगा, और सी ये क्यों उधर के माइनस का. तो ए प्लस पी किसके इक्वल है, सी माइनस क्यू. तो देखो ऊपर ए प्लस पी फोर्स किसके लॉन्ग थी, ए बी के लॉन्ग थी, और सी माइनस के किसके लॉन्ग थे, सी डी. यानी ए बी और सी डी के लॉन्ग थी फोर्सेज. तो ए प्लस पी सी माइनस क्यू के इक्वल है, तो ए प्लस पी फोर्स इधर थी, सी माइनस क्यू फोर्स इधर थी, ये इक्वल है. यानी इसका मतलब है कि ए बी और सी डी की फोर्स इक्वल लग रही है, ए बी और सी डी. बट ना है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ए बी इस तरफ लग रही है, सी डी इस तरफ लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कपल नहीं आ गया, ये कपल फॉर्म कर रही है. ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी इसकी रोटेशन, ये इधर को रोटेट करेगी और ये इधर को रोटेट करेगी, दैट फॉर्म ए कपल. और सेकेंड इक्वेशन देखो हमें गिवन है कि पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी माइनस पी है. यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल दी, जो बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डी प्लस क्यू माइनस पी. ये देखो डी प्लस क्यू माइनस पी डी ए के अलोंग थी, और बी किसके अलोंग था, बी सी. बी ये था और ये इधर था डी ए के अलोंग, तो ये भी इक्वल है. और ये डी ए डायरेक्शन है, इधर थी बी सी, ये ऑल्सो फॉर्म ए कपल, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसकी ऊपर की तरफ है, तो ये भी कपल फॉर्म कर रहे हैं. इन दोनों की फोर्सेज भी इक्वल आ रही है. तो हमने ये प्रूव करना है कि शो करना है कि जो फोर्सेज है दैट आर इक्विवेलेंट टू कपल ऑफ मोमेंट इसके. हमने यहाँ ये तो कपल हो गई, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, मोमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमने इसके इक्वल प्रूव करना है. तो इन सभी का सम प्रूव करना है. तो ये कपल प्रोड्यू हो रही है. तो यहाँ से हमें पता है कि मोमेंट ऑफ कपल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट. यानी मोमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स. हमें अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स निकालना है. वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर ए फोर्स लग रही है, अब मोमेंट हम ए ओ पॉइंट के अबाउट ले आ रहे हैं, अब हम ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे. तो अगर हम ए फोर्स लगा रहे हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इतना ये फोर्सेस के ओ पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. पूरी हमें स्टेटमेंट में स्क्वायर की लेंथ कितनी दी है, टू. यानी पूरी लेंथ टू है, तो हाफ कितनी होगी, ये मतलब पूरी टू है तो इसका हाफ कर दो, वन होगी. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन होगा. जैसे बी की फोर्स लग रही है, ये बी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होगा, तो इसकी भी हाफ लेंथ वन होगी. ऐसे सी की भी वन और डी की भी वन, प्लस ये रूट टू पी, ये फोर्सेज जो है ये तो खुद ओ में से पास कर रही है, तो इसकी तो मोमेंट जीरो होगी, क्योंकि हम ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं. तो जो फोर्सेस ओ में से पास कर रही हैं उसकी मूवमेंट जीरो होती हैं, तो इन दोनों की मूवमेंट क्या होगी, जीरो. आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो ये जो कपल है वो किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ कपल. हमें पहले ये शो किया कि मूवमेंट ऑफ कपल है, और वो किसके इक्वल है, सम ऑफ मूवमेंट्स. सम ऑफ मूवमेंट्स हमने निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. यही हमने प्रूव करना था कि मूवमेंट किसके इक्वल आनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये आंसर आ गया.